नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आम पापड़ बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कटे हुए आम की, चीनी की, इलायची पाउडर की और देसी घी की। अब हम सबसे पहले कटे हुए आमों को मिक्सी में कर लेंगे। और अब हम इसे बारीक पीस लेंगे और इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। हमने आम को बारीक पीस करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम एक थाली पर देसी घी को लगाते हैं जिसमें हमें आम पापड़ जमाना है। घी अच्छे से लगाएं। हमने थाली पर देसी घी लगा लिया है। अब हम आम के पेस्ट को पकाएंगे। अब हम एक पैन में आम के पल्प को कर लेंगे। हमने आम के पल्प को एक पैन में कर लिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं और इसमें चीनी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि आम का पल्प खोलने लगा है। हमारा आम पापड़ का पेस्ट पक चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। इसमें इस तरीके से हल्का तार आ जाना चाहिए। इसमें चिपक आ गई है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। इसको पकाने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। हमने इसे मीडियम गैस पर पकाया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम आम पापड़ के पेस्ट को घी लगी प्लेट में पलट देंगे। हमने आम पापड़ के पेस्ट को प्लेट में कर लिया है। अब हम इसे ठंडा करके धूप में सुखा लेंगे। इसे सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। हमारा आम पापड़ सूख चुका है। अब हम इसे प्लेट से उतारेंगे। एक चाकू को लेकर के उसको किनारे से इस तरीके से हटाएं। ये हमारा आम पापड़ प्लेट पे से उतर चुका है। अब हम इसके पीस काटेंगे। लीजिए, हमारा आम पापड़ तैयार है। ये आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।